प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विशिष्ट मापदंडों के साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक स्थान पर सुरक्षित भंडारण किया जा सके। यह बात प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कही। वह आज सोलन में 4,80,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का लोकार्पण करने के दौरान बोल रहे थे। इस भवन का शिलान्यास मार्च 2021 में किया गया था। मनीष गर्ग ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस स्थापित किए जाने से न केवल मशीनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से पूरा करने में भी सुविधा प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजकीय महाविद्यालयों या स्कूल परिसरों में रखा जाता था और इस स्थिति में इन मशीनों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करनी पड़ती थी। आज ईवीएम वेयर हाउस का जो सोलन में शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है चुनाव आयोग की तरफ से। उन्होंने सभी राज्यों को कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ईवीएम का वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे जो ईवीएम्स को प्रॉपरली और सिक्योरली स्टोर किया जा सके। इलेक्शंस के समय तो हमें जो स्ट्रॉन्ग रूम्स ऑक्यूपाई करने पड़ते हैं, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद ही पहले ये देखा गया था कि हम कॉलेजेस की या स्कूल्स की बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई करते थे या कोई और ऑफिस बिल्डिंग्स ऑक्यूपाई करते थे नेक्स्ट इलेक्शन तक, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब 45 डेज का इलेक्शन पिटिशन का पीरियड समाप्त होगा। उसके बाद जो स्कूल्स या कॉलेजेस में जो ईवीएम्स स्टोर्ड हैं वो यहाँ पे वेयर हाउस में रखी जाएंगी और जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तब यूज़ होंगी, तो और बहुत यूज़फुल रहेगा। इस भवन को बनाने में करीब करीब 4.8 करोड़ रुपीज़ खर्चा आया है जैसा एक सिंह साहब ने बताया, और सभी जिलों में इस टाइप के भवन बने हैं और हमारे 11 जिलों में ऑलमोस्ट कम्प्लीट या अंडर प्रोग्रेस हैं। लाहौल स्पीति में शीघ्र ही स्टार्ट किया जाएगा बनाना। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।